बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी कमान संभालने वाले छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी सांसद सरोज पांडे का कहना है कि बिहार की जनता बीजेपी जेडीयू गठबंधन के साथ है। पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी सरकार बनेगी। सरोज पांडे से खास बात की है संवाददाता वैभव शिव पांडे ने। नहीं, अलग अलग जगहों पे जाके जो है चुनावी कमान संभाला, वहाँ पे आप प्रचार में गए, जेपी नड्डा के साथ आपने सभाएं भी की। बिहार में किस तरह के नतीजे आने वाले हैं 10 तारीख को? बिहार में 13 दिन रहा मैं और वहाँ सिवान में, सिवान के साथ साथ रक्सौल के पास सुगौली में नेपाल बॉर्डर में चुनाव प्रचार में रहा और वहाँ एनडीए की जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नीतीश जी की सरकार बनेगी, इसमें संदेह नहीं है। आपको लग रहा है कि 15 साल चूंकि सत्ता में नीतीश जी रहे, एक परिवर्तन की लहर की बात वहां पे कही जा रही है। जाहिर तौर पे सरकार के खिलाफ बातें भी होती है और नाराजगी रहती है जनता में, ऐसे में बीजेपी क्यों जो है बहुत ज्यादा जो है आश्वस्त है कि नीतीश के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? आज से 15 साल पहले लूट, उठाईगिरी, डकैती और जितनी भी वहाँ घटनाएं हैं उसको जनता स्मरण करके और फिर से नीतीश जी की ओर, भारतीय जनता पार्टी की ओर मुख की है और जिस प्रकार से वहाँ विकास हुआ है, वहाँ सड़कों का जाल बिछा है, ये वास्तव में नीतीश जी की सरकार में और सब प्रकार के विकास। इसके पहले तो लालू की सरकार चारा चोर के नाम से और घोटालेबाज के नाम से जाना जाता था। वहाँ के लोग तो कहते थे कि तेल पिलावन लाठी भंजावन, लाठी को तेल पिलाओ और भंजाओ। अब वो राज गया है, हम फिर से लाना नहीं चाहते। मोदी का मैजिक इसे माना जाएगा अगर सरकार बनती है या फिर नीतीश का कमाल? मोदी जी का जादू बरकरार है और साथ ही नीतीश जी की भी है। उनके जो काम है, सुशासन रहे हैं, वो काम आएंगे। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।